Hello everyone, in this video lecture of information theory coding or digital communication, I am going to discuss one example of syndrome calculator for cyclic code. I have taken this question from the information theory coding of AKTU 2020-21 session. Theek, start karte hain. Question is, design a syndrome calculator for a 7,4 cyclic Hamming code generated by the polynomial GP is equal to PQ plus P plus 1. Calculate syndrome for Y. This. सबसे पहले हमें यहाँ पे calculator बनाना है. After designing the calculator, हमें syndrome को calculate करना है by using the same circuit. First of all, what is the general equation of generator polynomial? Generator polynomial equation is given by GP is equal to P raised to power n minus k plus summation I is equal to 1 to n minus k minus 1 g I p I plus 1. ठीक, तो now by using this formula हमें पहले equation देखनी है. n comma k is given 7,4 means n is equal to 7, this is the length of code word, and k is equal to 4, this is the length of message. ठीक है, length of code word, length of message. Now how many flip flops are required? Number of flip flops is equal to n minus k is equal to 3. तो हम इस equation में अगर values को put करें तो what is the equation? G P is equal to P raised to power 7 minus 4 plus summation means sigma I is equal to 1 to 7 minus 4 minus 1 g I p I plus 1. ठीक, now it become p raised to power 3 plus summation I is equal to 1 to 2. ठीक है, g I p I plus 1. Now इसको expand करते हैं. g p is equal to p cube plus g1 p1 plus g2 p2 plus 1. We can write it p3 plus g2 p square plus g1 p plus 1. ठीक है, now जो question में given है उसको इससे compare करते हैं. Given gp is equal to PQ plus P plus 1. Now, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो G2 term is missing, means G2 is equal to 0, P is available, means G1 is equal to 1. जो missing होगा उसकी value क्या हो जाएगी? 0. जो available होगा उसकी value क्या हो जाएगी? 1. इसका calculator बनाते हैं. इसमें number of flip-flops हमने कितने find out किए? 3. Means कि 1, 2 and 3. और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे? थ्रू मॉडुलो 2 सम. ठीक है, ठीक. और इसको इनपुट जो अप्लाई होगी वो भी थ्रू मॉडुलो 2 सम. ठीक, इसको इससे कनेक्ट किया. ठीक है, नाउ इनपुट कहाँ से अप्लाई होगी? यहाँ से. यहाँ पे इनपुट मींस की वाई लिखा है तो हम यहाँ पर भी वाई लिखेंगे. ये वाई क्या है? दिस इज रिसीव्ड कोड वर्ड. ठीक है, वाई इज received code word. ठीक है, now अब जब feedback connection होगा सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक gate होगा. अब ठीक, यहाँ पे जो आपका connection होगा, this is for G1 and this is for G2. तो in our question G1 was available, means कि ये connected होगा. ठीक है, बिकॉज जीवन की वैल्यू क्या है? 1. जी टू की वैल्यू क्या है? 0. मींस ये फीडबैक ओपन होगा, नो कनेक्शन, बिकॉज जी टू इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये वैल्यूज होगी. नाउ अब ये हमारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको मैंने सपोज नाम दे दिया आर जीरो, आर वन एंड आर टू. इनकी इक्वेशंस क्या होगी? अगर आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है, इसके लिए एक इनपुट कहाँ से आ रही है? वाई से. और एक इनपुट क्या आ रही है? प्रीवियस आर टू, बिकॉज ये जो फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड हैं ये शिफ्ट रजिस्टर में कनेक्टेड है. अगर कोई इनपुट बिट एंटर करेगी तो इन बिट्स को वो शिफ्ट करेगी और ये आर टू फीडबैक होके कहाँ आएगा? इस मॉडुलो टू पे. मींस जो प्रेजेंट आर जीरो होगा, आर जीरो इज इक्वल टू वाई प्लस
आर टू, दिस आर टू इज प्रीवियस। अगर प्रीवियस उसको डिफरेंट शो करना है तो हम इसको न्यू वाले को हम डैश मार्क करके शो कर देते हैं। ठीक, नाउ आर वन क्या होगा, आर वन पे भी देखो मॉडुलो टू है, एक फीडबैक आ रही है आर टू से और एक आ रही है आर नॉट से, मीन्स की आर वन डैश इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ आर टू प्लस प्रीवियस वैल्यू ऑफ आर जीरो। ठीक, नाउ फॉर आर टू देयर इज नो फीडबैक कनेक्शन, मीन्स जो प्रीवियस आर वन था वो प्रेजेंट आर टू होगा, मीन्स आर टू डैश इज इक्वल टू आर वन। ठीक, तो दीज आर द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द सिंड्रोम। ठीक, मीन्स हमारा जो सिंड्रोम होगा एस, एस इज इक्वल टू अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज को लें तो वो हमारा हो जाएगा आर टू डैश आर वन डैश आर नॉट डैश, ये भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो आर टू आर वन आर जीरो, जैसे भी आप इसको डिफाइन कर रहे हो, इट्स अप टू यू। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब हम सिंड्रोम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा वाई, दिस इज आर जीरो डैश आर वन डैश आर टू डैश। नाउ इनके फॉर्मूले यहाँ जो मैंने यूज़ किए हैं यहाँ लिख देते हो सो दैट ईजिली हम याद रखें, वाई प्लस आर टू मीन्स प्रीवियस आर टू, ये होगा आर टू प्लस आर जीरो, और याद रखना है दिस प्लस साइन इज बेसिकली मॉडुलो टू सम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मॉडुलो टू लगा लो या आप प्लस रखो, आप दोनों तरीके से यूज रख कर सकते हो, बट आपको याद रखना है दिस इज एग्जॉर साइन बेसिकली आर टू इज आर वन। ठीक, नाउ अब हमारे इनपुट सीक्वेंस क्या है, जितने इनपुट बिट उतना ही हमारा शिफ्ट होगा, इनपुट हमारी एंटर होगी एम एस बी से, वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन। ठीक है, नाउ अब नंबर ऑफ शिफ्ट कितने होंगे, जितने बिट्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक, इनिशियली हम इनकी वैल्यू को क्या लेके चलेंगे जीरो। ठीक, नाउ इफ इनपुट बिट वन गई, वन एंड जीरो के एग्जॉर से हमें क्या मिलेगा वन। ठीक, नाउ हमारा आर वन क्या होता है आर टू और आर जीरो का एग्जॉर, मीन्स कि इन दोनों का एग्जॉर जीरो जीरो के एग्जॉर से जीरो, एंड आर टू इज आर वन, तो यहाँ क्या होगा जीरो बिट एंटर की तो जीरो एंड जीरो का एग्जॉर जीरो, फर्स्ट एंड लास्ट का एग्जॉर वन, दिस बिट शिफ्टेड हेयर। ठीक, नाउ इनपुट बिट ये है, मीन्स जीरो एंड जीरो का एग्जॉर जीरो, फर्स्ट एंड लास्ट बिट का एग्जॉर जीरो, ये बिट शिफ्ट हुई यहाँ। नाउ वन एंटर हुआ तो वन एंड वन का एग्जॉर जीरो, फर्स्ट एंड लास्ट बिट का एग्जॉर वन, ये बिट शिफ्ट हुई यहाँ। ठीक, नाउ वन एंड जीरो का एग्जॉर वेन वन, वन एंड जीरो का एग्जॉर वन, फर्स्ट एंड लास्ट का एग्जॉर जीरो, ये बिट शिफ्ट हुई यहाँ। नाउ जीरो एंड वन का एग्जॉर वन, वन एंड वन का एग्जॉर जीरो, यहाँ क्या आएगा जीरो। ठीक, नाउ जीरो एंड वन का एग्जॉर वन, फर्स्ट एंड लास्ट का एग्जॉर वन, दिस आर वन शिफ्टेड हेयर। वैल्यू होगी किसकी, आर जीरो आर वन आर टू। तो व्हाट इज द सिंड्रोम, सिंड्रोम एस इज इक्वल टू पहले हम लिखेंगे आर टू, देन हम लिखेंगे आर वन, देन हम लिखेंगे आर जीरो। ठीक है, तो दिस इज द सिंड्रोम। थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।